भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है, सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है समाजवादी पार्टी की सरकार में, उस जमीन को उन्होंने या उनके सागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। और अखिलेश जी का समाजवाद तो अवसरवादी समाजवाद है। भाइयों बहनों, शिवपाल जी के साथ क्या हुआ था हर व्यक्ति समझता है। पिछली बार तो कम से कम जसवंत नगर नेताजी के नाते मिल गई, अगली बार जसवंत नगर भी नहीं मिलने वाली है उनको, ये हर व्यक्ति जानता है। और जब भी समाजवादी पार्टी को चुनाव हारने होते हैं दो काम जरूर कर लेते हैं, एक तो बहाना कर लेते हैं, पहले से ही पृष्ठभूमि बांध लेते हैं के साथ ईपीएम में गड़बड़ी है। अरे उसी ईपीएम में तो 2012 में आपकी सरकार बनी थी, उसी ईपीएम में इस प्रदेश में कई सांसद आपके जीते थे, कैसे आप आरोप लगाते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराने लगते हैं और कभी उसकी पृष्ठभूमि बांध करके अपने कारनामों को नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के इस बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता दो काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।